हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे, मेन काम है पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे किसी फंक्शन का जो दिया हुआ है। तो हम वही करेंगे, आज उसी के बारे में जानेंगे। तो कुछ ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन पॉइंट्स को नहीं जानेंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, फिर कन्वर्जन कैसे होता है इम्प्रॉपर का प्रॉपर में, और अगर प्रॉपर है तो उसका प्रॉपर का नेचर क्या है, उस प्रॉपर फंक्शन का नेचर क्या है, प्रॉपर फंक्शन के नेचर के बेसिस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो इतना सब चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेशनल फंक्शन पे। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा देख रहे हैं पी बाय क्यू फॉर्म में कोई दिया हुआ फ्रैक्शन आपका, जहाँ पे क्यू आपका ये जीरो नहीं है, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है रेशनल, मतलब रेशनल फंक्शन होता है। पी बाय क्यू फॉर्म कुछ दिया है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, ये तो आपका रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन में आता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे जांच करते हैं, अगर जब आपका जो पी है यहाँ प्रॉपर में देखिए क्या होगा, अगर आपका जो पी एक्स है वो कम है क्यू से, फंक्शन में यहाँ पे इसमें पावर देखते हैं, जो आपका जो एक्स की पावर होती है, जो भी फंक्शन की पावर है वो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ डिग्री, डिग्री लिखते हैं ना, हाईएस्ट पावर, डिग्री पी एक्स की अगर क्यू एक्स से, पी एक्स की ऊपर वाले की क्यू एक्स से कम है, नीचे डिनोमेटर, न्यूमरेटर की डिनोमेटर से कम है तो आपका प्रॉपर है। अगर नहीं होगी, डिग्री अगर क्यू एक्स की, क्यू एक्स की नहीं, इसी फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, पी एक्स की या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, अगर नीचे वाला जो है, ऊपर वाला जो है उसकी जो डिग्री है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर की बराबर हो उसकी डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर तुम्हारा फंक्शन हो जाता है, रेशनल फंक्शन हो जाता है। इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ये भी चलता है। अब इसका हम सीखेंगे कन्वर्जन कैसे होता है, इम्प्रॉपर का प्रॉपर में कन्वर्जन। सिंपल है, देख लीजिए, इधर मैं साइड में शो करता हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, तो ये तुम्हारा देखो इसकी जो डिग्री है ऊपर वाले की क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वाले की डिग्री बेसिकली मतलब इससे कम ही दिख रही है साफ साफ। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये तो इम्प्रॉपर है तो हम इसे क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इसको इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लीजिए कितने टाइम्स में, ये एक्स प्लस वन है तो मुझे भाई एक और एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, ये कैंसल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स प्लस टू। अभी भी देखिए दोनों की डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो भाई क्या करेंगे, सिंपल बात, जब तक डिग्री से डिग्री हमको ऊपर वाली कम करनी है, ऊपर वाली कम हो नीचे वाली की ज़्यादा हो ऐसा कर देना है, तो जब तक डिग्री अनइक्वल ना हो जाए, ऊपर वाली कम हो जाए और नीचे वाली ज़्यादा ना हो जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो ये ऐसे हुआ, अब ये एक्स प्लस वन है या माइनस होते हैं, माइनस वन से कर दीजिए, माइनस एक्स माइनस वन थ्री, तो ये आपका कुछ ऐसे निकल गया। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो ये कर रहे हैं डिवाइड, डिवाइड करने के बाद क्या लिखेंगे, इस तरह फॉर्म लाएंगे, जो हमेशा न्यूमरेटर मतलब ये रिमाइंडर बचेगा ये ऊपर आ जाएगा, जो डिवाइड कर रहा है नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन, और ये वाला इधर साइड में लिख दीजिए एक्स माइनस वन, ये प्लस में, इस तरह ऐसे होता है, ये वहीं पर आ जाता है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ठीक। अगर चेक भी करना है तो कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो जाएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन।
इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ, अगर करना है आपको ज़्यादा, अगर विश्वास नहीं है तो इस तरह प्रॉपर इम्प्रॉपर से प्रॉपर निकाल सकते हैं ये चीज़ जो निकला है। तो ये आपका क्या था, इम्प्रॉपर था, ये है आपका प्रॉपर। तो ये मैंने कन्वर्जन बता दिया। अब हम नेचर की बात करेंगे कि अगर आपका प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर कैसा होगा, क्या होगा, तब उसके बेसिस पे हम पार्शियल फंक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा आपका, या प्रॉपर फंक्शन जो भी होगा, उसका मैंने फॉर्म लिखा। अगर फॉर्म है, नेचर क्या है आपका, नेचर जैसा भी है, अगर इनमें से कोई ऐसा है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होगा। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपका जो भी प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन आ रहा है, उसका नेचर ऐसा है, पी एक्स प्लस क्यू इस तरह ऊपर दिया हुआ है, नीचे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इस तरह कुछ दिया हुआ है, ए इसको ए नॉट इक्वल टू बी, उसका कुछ ऐसे निकलेगा पार्शियल फ्रैक्शन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी दिया है, तो उसका ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस सी, ऐसे निकलेगा पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी इन सब का देख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है, ए एक्स प्लस ए एक कैपिटल है, डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ईजी है थोड़ा सा, मतलब हो सकता है पहले टाइम ईजी ना पड़े, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो इन सबको थोड़ा याद करना ज़रूरी है पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए, अगर ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। अगला फोर्थ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होल क्यूब, तो उसको क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए क्यूब, क्यूब है तो क्यूब तक ले गए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर तक ले गए हैं, यहाँ पे एक्स दो टर्म है तो दो टर्म तक ले गए हैं, यहाँ पे तीन है तो तीन टर्म तक ले गए हैं, स्क्वायर फिर से वही। अब यहाँ पे देखिए कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे एक एक्स प्लस ए और यहाँ स्क्वायर है, तो एक एक्स प्लस ए को लीजिए, स्क्वायर वाले को फिर से पहले वन टाइम लीजिए फिर टू टाइम में उसका लीजिए, मतलब इसको अगला स्क्वायर में रहेगा वो, ठीक। इसमें एक फॉर्म और बच रहा है, मैं उसको यहाँ अभी करा दे रहा हूँ, वो सिक्स फॉर्म है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर नोट हो गया हो तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3, तो ऊपर वाला ये इरेज कर दे रहा हूँ। सिक्स्थ फॉर्म, अगर आपका मान लीजिए कुछ ऐसा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा भी आ सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का ये तरीका है, अगर कुछ ऐसा दिया हो, ऊपर ऐसा हो नीचे एक्स प्लस ए इस तरह, ये फैक्टराइज, जैसे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो दिस नॉट फैक्टराइजेबल, ये फैक्टराइजेबल नहीं हो, अगर फैक्टराइजेबल होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, तभी इस फॉर्म में हो सकता है आ जाए वहाँ लेके आप कर लें, उस तरह फैक्टराइजेबल नहीं है इस तरह है तो आप इस तरह फॉर्म में लेके कंप्लीट करेंगे। तो मैंने तो केवल अभी फॉर्म बताया है, अब मैं सभी फॉर्म के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप समझ सकें। तो अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन करके सिक्स फॉर्म तक मैंने सिक्स क्वेश्चन लिखे हैं, सबको हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं बताऊँगा कैसे करना है सब। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, यह है 5x+3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सेवन, फिर वो मल्टीप्लाइड है एक्स प्लस टू से। तो ये देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, याद कीजिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो उसको उस फॉर्म में आ रहा है, उस फॉर्म के लिए हम क्या लिखते थे, ये लिखते थे ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला, एक टर्म तो एक्स प्लस सेवन
प्लस बी एक्स प्लस टू। तो हमें देखिए बस ए और बी ही निकालना रहता है, मेन काम ए बी निकाल लिए तो अपना बन जाएगा काम। तो करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से है, लिखिए फिर से इक्वल कीजिए इसके, अभी जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस डिनोमिनेटर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भाई तो ये पूरा तो हट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस सेवन हट जाएगा और आएगा क्या यहाँ पे एक्स प्लस टू। यहाँ पे एक्स प्लस टू हट जाएगा वो बी है, एक्स प्लस टू हट जाएगा एक्स प्लस सेवन। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे एक टर्म को जीरो करेंगे, एक टर्म को जीरो करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे टर्म को जीरो करके एक की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए हम सबसे पहले इस टर्म को जीरो कर रहे हैं, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स प्लस टू दिया है, एक्स प्लस टू को जीरो करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो जब हम एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर रहे हैं, पहला चीज़ एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस टू प्लस टू ये पूरा जीरो हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और यहाँ माइनस टू प्लस की वही चीज़ करना पड़ेगा जो पुट कर रहे हैं, यहाँ वाले मैं थोड़ा भूल गया हूँ, पुट कर देते हैं यहाँ फाइव माइनस टू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन, और ये टर्म पूरा जीरो, और ये क्या होगा फाइव बी। अब यहाँ से सिंपली हमारा बी क्या निकल गया, माइनस सेवन बाई फाइव बी निकल गया। उसी तरह हम अब इस बी वाले टर्म को जीरो करेंगे तो ए निकलेगा अपना, तो इसको जीरो कीजिए, एक्स इक्वल टू क्या माइनस सेवन, माइनस सेवन। अब मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, फाइव सेवन जा 35, माइनस 35 प्लस थ्री होगा तुम्हारा माइनस 32। यहाँ माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव, माइनस फाइव पे, और ये तो पूरा टर्म देखिए जीरो हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल गई 32/5, और बी की वैल्यू निकल गई, ये निकल गई आपकी। अब जब ये निकल गई तो हमारा ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, ये चीज़ लिख दे रहा हूँ मेरा क्या निकला है। तो ए की वैल्यू क्या है अपना 32/5, 32 एक वैल्यू निकली है। और हमेशा चेक करते रहिएगा कि कहीं आप खुद से कहीं मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना क्या है -7/5, -7/5। यहाँ पे चाहे तो 1/5 फिर कॉमन ले लें, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये अपना पार्शियल फ्रैक्शन। वन बाई फाइव मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 32/x+7, फिर ये -7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो इस तरह हमने इसको, इस वाले पूरे टर्म को देखे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इस तरफ कर लिया फैक्टराइज, इसका मतलब अलग कर दिए पूरा। तो ये पहला हो गया, अब हम दूसरे पे चलते हैं। देखिए तरीका यही है, हो सकता है अगर मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कुछ एरर आ सकता है, या किसी से भी हो सकता है एरर कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन तरीका यही है, करने का तरीका आप समझ जाइए, मेन चीज़ ये है। दूसरा क्वेश्चन जो है अपना क्या है, 5x² + 3x + 1, x+1 x+5। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, p
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड इस तरह सिंपल हमका याद तो था ये एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी मतलब यहाँ बी भी नहीं रखना है ए भी नहीं रखना है एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव सी क्या है यहाँ पे नीचे एक्स प्लस सेवन। देखिए तो अपना जनरल स्तर दिया हुआ है इस तरह कुछ है इस तरह फॉर्म में लिख दिए हैं। अब करने का तरीका क्या है ये उतारिए। देखिए डायरेक्ट करना थोड़ा जल्दी अगर सीखेंगे तो आसान पड़ेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना रहेगा तो आप चाहे डायरेक्ट करें चाहे लिख के करें बात वहाँ एक ही पड़ती है थोड़ी क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक ये है। तो ये अपना ये लिख दिए फिर से डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे। यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वन छोड़ के बाकी सब आएगा इसमें एक्स प्लस फाइव छोड़ के बाकी सब एक्स प्लस सेवन छोड़ के बाकी सब तो इस तरह है। अब इसमें देखिए जब तीन टर्म आ जाते हैं मतलब यहाँ तो क्यूब वाला है तो तीन हमारा निकलेगा वैल्यू एक्स की थ्री वैल्यू निकलेंगी एक्स की अगर क्यूब टाइप बन रहा है तो एक एक करके हम करेंगे सबका। पहले एक टर्म को जीरो करते हैं तो मान लो ये मैंने ए को जीरो एक टर्म नहीं यहाँ पे मतलब एक वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इससे देखिए दो टर्म जीरो हो जाएगा अपने आप। इस मान लीजिए मैंने माइनस फाइव पुट किया एक्स में माइनस फाइव पुट किया तो माइनस फाइव ये तो जीरो होना ही है जहाँ माइनस फाइव यहाँ ये है एक्स प्लस फाइव वहाँ भी जीरो हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू क्या पुट करें तीन है तो मैं तीन तीन अलग अलग करके इसमें कर देता हूँ एक एक कॉलम करके। पहले मैंने एक्स इक्वल टू पुट किया माइनस फाइव माइनस फाइव पुट किया तो ए पूरा टर्म जीरो हो गया माइनस फाइव पुट करने पे क्या हुआ ए जीरो हो गया और क्या हुआ सी जीरो हो गया सी भी जीरो हो गया बचा क्या ये और ये माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव या वन ट्वेंटी फाइव और ये माइनस फिफ्टीन प्लस वन इक्वल यहाँ पे पुट कीजिए बी के साथ क्या लोचा होगा माइनस फाइव प्लस वन आपका फोर होगा और माइनस फाइव प्लस सेवन आपका टू होगा टू फोर या एट लेकिन तब भी मैं लिख देता हूँ इस तरह ये माइनस फोर होगा ये आपका टू होगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए वन हंड्रेड एलेवन और ये आपका क्या है बी माइनस एट बी तो बी इज इक्वल टू आपका निकल गया वन वन एट वन वन ये वन हंड्रेड एलेवन डिवाइडेड बाई एट है अगर थोड़ा गलत दिख रहा होगा कहीं मतलब वन लग नहीं रहा है ऐसा लग रहा है ना बना देता हूँ पूरा मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। ये आपका बी निकल गया बी निकला। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्या निकालें चलिए अब किसी एक वैल्यू और पुट करते हैं फाइव को हमने जीरो किया फाइव इक्वल मतलब एक्स इक्वल टू माइनस फाइव पुट किया अब एक्स इक्वल टू माइनस सेवन पुट करके देखते हैं रैंडमली आपके हिसाब से आप जो पुट करें पहले माइनस वनस आपकी मर्जी तो एक्स इक्वल माइनस सेवन पुट करने से आपका ए जीरो हो जाएगा इस बार आपका बी भी जीरो हो जाएगा बचेगा क्या सी माइनस सेवन पुट कीजिए सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन फाइव भाई ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा भी उतना दिमाग में करूँगा लेकिन टाइम लग जाएगा ऐसे मैं यही कर देता हूँ फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी में फोर टू फोर टू फोर फाइव चेक करें सेवन था ना सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन
5 9 45 5 9 45 5 4 20 24 2 4 5 2 4 5। और ये तो हो जाएगा -21 + 1 = 2। और यहाँ पे देखा जाए आप क्या करना है, सी बचा है ना, तो सी में आपका देखा जाए तो -7 है, माइनस ये -6 होगा, ये -2 होगा। और यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसमें से 20 गायब कीजिए, 20 2 2 5 हो जाएगा, और फिर ये आपका 12, C = 2 2 2। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ अगर कॉमन दिख रहा है मतलब थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर दीजिए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 3 के टेबल में कुछ पड़ रहा है, तो ये 7 और क्या है 75 75, ये 4 C = 75/4। 21 देखिए, डिवाइड करके देख लीजिए, 21 1 15 75, यस एंड दिस इज 3 4 12 3। तो सी की वैल्यू निकल गई आपकी, बी की वैल्यू निकल गई। तुमने अभी तक क्या क्या 0 पुट करके देख लिया, तो x = -5 पुट किया तो 0 हुआ, x = -7 पुट किया 0 हुआ, अब एक बचा है हम x = -1 पुट करें तो हमारा बी सी निकल गया, बस ये निकालना बाकी है, तो x = क्या पुट करें, -1। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, जगह कम पड़ गया है, एक साइड इरेज करते हैं अगर नोट हो गया है तो। ठीक, वैल्यू थोड़ा लिख लेते हैं इधर साइड, ए की वैल्यू क्या निकल गई है ऊपर, ए सॉरी ए नहीं, एक वैल्यू तो अभी बाकी है, जो वैल्यू पता चल गई उसको साइड में कहीं लिख लीजिए, कहीं भूल ना जाए, ये मैं गलती करता हूँ इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। बी निकल गया है, सी भी निकला है आपका 75/4। ठीक, 1 मिनट। तो दोस्तों हम यहाँ पे थे ना, तो रुकिए, ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या है अपना x = -1 पुट करना है, x = -1 तुम्हारा क्या क्या 0 हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं, बी 0 हो जाएगा, सी 0 होगा, x = -1 पुट करेंगे तो ये 0, बी 0, सी 0। और तुम यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 - 3 + 1, यहाँ पे ए के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे x = -1 तो ये 4, एक एक कम हो जाएगा 4 6, 5 - 3 क्या 2 और 1 प्लस होगा, सिंपल बात है, 5 - 3 2 और 1 3। और यहाँ पे दिख रहा है 6, थोड़ा कैंसिल आउट यहीं से कर लेते हैं, ये 3 × 2 है, 3 3 कट गया, 4 2 8, a = 1/8। तो a = 1/8 हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा मैंने लिख दिया, मैं आदत थोड़ी पड़ गई है टेढ़ा लिखने की इस तरह, a = 1/8। तो आपकी तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं, a = 1/8। तो आप तीनों पुट कर देंगे तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन जो तो निकलना था निकल जाएगा, एक में क्या पुट करेंगे, ए में आपका आया है 1/8, बी में आपका क्या आया है -111/8, सी में क्या दिया हुआ है 75/4। तो देखिए आप चाहे इसमें सब बात वही बता रहा हूँ, फिर से आपको वही काम करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा, या यहीं पे लिख देता हूँ, इस तरह आसानी पड़ेगी शायद। इसी को इरेज कर देता हूँ, मैंने इसमें देखे क्या कॉमन लेना है, 1/4 कॉमन ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे भी बचेगा 2, यहाँ पे आपका 1 रह जाएगा, और ये
वन और ये माइनस साइन था, वन वन वन, ये वन वन है, टू को मत समझिएगा। सही किया है ना, तो फोर कॉमन ले लिया है, तो इस तरह करके आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। तो ये तो मेरा दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x+5 डिवाइडेड बाई 6x+3 का होल स्क्वायर है, ठीक। इसका फॉर्म क्या था, px+q डिवाइडेड बाई x+3 का होल स्क्वायर। देखो पहले तो सिंपल इसका फॉर्म याद रखना है, a अपॉन x+3, वन टाइम x+3, ये दूसरे टाइम में उसका स्क्वायर है, यही करेंगे। अब फिर से वही काम, पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने बताया, इक्वल करो यहाँ पे, बी अपॉन x+3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फिर से समझ ही गए होंगे अगर लेक्चर देख रहे हैं सही से। x+3 का होल स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ ये हट गया, यहाँ पे इक्वल वन टाइम x+3, यहाँ पे पूरा गायब। तो भाई यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं क्या, x=-3 पुट कीजिए, पूरा टर्म जीरो हो गया, ए वाला ए जीरो हो जा रहा है पुट करने पे, -3 पुट करने पे 6 3 18, -18+5 आपका बी निकल रहा है, तो b=2 आपको क्या आ जाएगा, 5 18 13। तो b=2 क्या निकल गया आपका, 13। अब b=2 जब 13 निकल गया तो आप b की वैल्यू पुट करके अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप तो कुछ जीरो कर नहीं सकते ना, तो b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 6x+5 रहने दीजिए इस साइड, और ax+3, b की वैल्यू क्या है, -13। इसको इधर लाइए, -13 को यहाँ पे अपने से कुछ रुक गया, यहाँ पे मेरे चीज़ में थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं, अभी क्लियर करेंगे। ठीक, 13 इधर लाए, 18 हो गया। तो देखिए करने का बहुत आसान तरीका है, हम यहाँ पे दोनों टर्म दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म और ये एक्स के साथ जो टर्म है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है, कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो ए है, तो यहाँ ए क्या दिख रहा है इसमें, एक्स के साथ 6 दिख रहा है, तो यहाँ a=6 डायरेक्ट इस तरह निकल गया। एक और तरीका यहाँ पे भी था, तो अब 3a=18 कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कीजिए या ऐसे कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे भी a=6 निकल गया आपका। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, फिर जब ये निकल गया तो फिर यहाँ पुट कर दीजिए, ए क्या निकला है, बी क्या निकला है, तो आपका a 6 निकला है, बी आपका -13 निकल गया है। फिर यहाँ पे तब वही काम, a=6, b=-13, ठीक। ये अपना ऐसे हो गया, तो बाकी मैं क्या कहते हैं, तीन मैंने बता दिए हैं, बाकी जो है वो भी सब ऐसे ही होंगे, समझ गए हैं ना आप।
तो ये मैंने बताया है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं लगभग सब ऐसे ही तरीके से होंगे, सबको ऐसे ही करना है। तो मैं चाहता हूँ आप ये बाकी तीनों आप होमवर्क में कर लें। अगर आप ये समझ चुके हैं ये कैसे किए हैं सब, तो इन तीनों को आप होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। तो होमवर्क में करके सॉल्व करके देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं फिर तब अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए बताया क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन जो पढ़ा रहा था, 3 लेक्चर लोग अपलोड किए हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन जो पढ़ रही थी। तो अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन मान लीजिए नहीं आ रहा है, पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं, तो उसको मैंने जस्ट रिविजन टाइप का कुछ करा दिया है, तो ये आपका काम आएगा। वैसे तो डिफरेंशिएशन पार्शियल फ्रैक्शन आपके 12th में इंटीग्रेशन में दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ डिफरेंशिएशन में भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी इस्तेमाल होता है हम करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर है, यहीं पर रुकता है। बाकी अपना तीनों को होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक, एकदम वैसे ही होगा जैसे किए हैं तीनों बाग पहले वाले। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।